नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहण के विषय में। ग्रहण, सूर्य ग्रहण भारत में पड़ने वाला पहला ग्रहण ये इस वर्ष का 2019 में भारत में पहला ग्रहण ये पड़ रहा है और ये आखिरी ग्रहण भी माना जाएगा। 26 दिसंबर अमावस्या के दिन पड़ने वाला ये कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण भारत के कई क्षेत्रों में दिखाई देगा। मदुरई, बेंगलोर इत्यादि में ये कंकड़ाकृति के रूप में दिखाई देगा, अर्थात संपूर्ण भारत में ये खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा। ये ग्रहण संपूर्ण सूर्य के 0.9692% होगा, अर्थात 45% जो सूर्य का हिस्सा है वो जो है तो ग्रहण में ग्रसित दिखेगा। देखा जाए तो ग्रहण का स्पर्श प्रातः 8:11 पर होगा और मध्य 9:29 पर, और ग्रहण का जो मोक्ष है वो 11:02 पर होगा। जब भी ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण के पड़ने के पूर्व 12 घंटे पहले सूतक बंद चालू हो जाते हैं, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, अर्थात अमावस्या के दिन 26 दिसंबर को मंदिरों के पट नहीं खुलेंगे, क्योंकि एक दिन पूर्व अर्थात 25 दिसंबर से ही 8:11 से पट बंद हो जाएंगे। 12 घंटे पूर्व 8:11 से 25 तारीख को पट बंद होंगे, जो कि लगातार 11:02 26 तारीख को दिन के बाद जो है तो पट खुलेंगे। देखा जाए तो यह ग्रहण धनु राशि और मूल नक्षत्र में पड़ रहा है। धनु राशि गुरु की राशि है, अर्थात इस ग्रहण में गुरु से संबंधित या धर्म कर्म से संबंधित, क्योंकि गुरु धर्म कर्म का कारक है, इस राशि में अगर ग्रहण पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर धर्म कार्यों में रुकावट और व्यवधान पैदा हो सकता है। देखा जाए तो यह ग्रहण प्राकृतिक प्रकोप वाला हो सकता है, कई जगह पर भूकंप आदि से संबंधित प्राकृतिक प्रकोप की स्थितियां बन सकती हैं। देखा जाए तो अन्य राशियों के हिसाब से ग्रहण का फल कई राशियों को प्रभावित भी करेगा। अगर ग्रहण की स्थिति को लें तो यह ग्रहण नैऋत्य कोण को प्रभावित कर रहा है। संपूर्ण सूर्य के नैऋत्य कोण अर्थात पश्चिमोत्तर का जो स्थिति है उसको जो है तो यह प्रभावित करेगा, और इस ग्रहण के प्रभाव से अनेक प्रकार की व्याधियां और प्राकृतिक प्रकोप संभव हैं। देखा जाए तो यह ग्रहण मूल नक्षत्र और धनु राशि में रहेगा, अर्थात इन राशि वालों के लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है। ग्रहण के समय पर ग्रहण का में देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श करना वर्जित है। सूतक काल में, चूंकि सूतक 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है, अर्थात सूतक काल में ग्रहण में मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भगवत भजन करना चाहिए, रामधुन इत्यादि करना चाहिए, साथ ही सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। साथ ही जो है तो गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण को जो है तो देखना स्पष्ट जो है तो शास्त्रों में मना किया गया है। साथ ही गर्भवती स्त्रियों के लिए नुकीली वस्तुओं का प्रयोग, चाकू छुरी इत्यादि का प्रयोग ना करें। साथ ही ग्रहण के समय वो बाहर नहीं निकलें। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो अपने गर्भ में गेरू अथवा रामरज जो है तो लगाएं, जिससे उनके ग्रहण का जो है तो दूषित प्रभाव बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता है। साथ ही ग्रहण के समय पर दूषित पदार्थ खान पान इत्यादि नहीं करना चाहिए। ग्रहण के पूर्व में स्नान करना चाहिए, मध्य में हवन इत्यादि से संबंधित जो जाप है और रामधुन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के पश्चात ग्रहण स्नान और दान करना चाहिए तथा पूजा पाठ इत्यादि शुरू हो जाएगी। तो 26 तारीख को 11:02 के बाद ही मंदिर के पट खुलेंगे। इस प्रकार से ये ग्रहण जो है तो इस 2019 ईस्वी का पहला और आखिरी ग्रहण है। हालांकि 2019 में 4 ग्रहण पड़े थे, विश्व भूमंडल पर 4 ग्रहण थे, लेकिन भारत में ये पहला ग्रहण है जो कि 2019 में दिखाई दे रहा है। अब हम ग्रहण के राशि फल को बताते हैं कि इस ग्रहण से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि वालों के लिए यह जो है तो चिंता कारक जो है तो रहेगा, इसके प्रभाव से चिंता व्याप्त होगी। वृष राशि वालों के लिए ये ग्रहण का प्रभाव कष्ट कारक है। इसी प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए दुख का प्रभाव दे रहा है,
और कर्क राशि वालों के लिए सौख मतलब सुख कारक रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए चूंकि सूर्य ग्रहण सूर्य पर ही लग रहा है अथवा इनके लिए अनिष्ट कारक है, जहां तक देखा जाए तो कन्या राशि के लिए यह ग्रहण जो है तो हानिकारक रहेगा। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि उस समय पर धनु राशि में ही रहेंगे, तो देखा जाए तो उनके लिए भी यह ग्रहण व्याधिकारक माना जाएगा। और अगली आठवीं राशि जो वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण कष्टकारक माना जा रहा है, हानिकारक माना जा रहा है। इसके बाद जो धनु राशि है जिसमें यह ग्रहण पड़ रहा है, इसी राशि में यह ग्रहण पड़ रहा है, इनके लिए यह व्याधिकारक है, अर्थात कोई ना कोई घटना घटित हो सकती है, घातकारक है, घात हो सकता है इनके लिए। जहां तक मकर राशि का सवाल है तो मकर राशि वालों के लिए भी हानिकारक है और कुंभ राशि के स्वामी शनि है, कुंभ राशि वालों के लिए सुख कारक है। और मीन राशि जो अंतिम बारहवीं राशि है, उन राशि वालों के लिए इस ग्रहण का प्रभाव जो है तो लाभकारी रहेगा, ऐसा ये बारह राशियों का जो है तो प्रभाव ये ग्रहण जो है तो दे रहा है। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ समय समय पर हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।